हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं हूं उत्कर्ष ठाकुर और आप देख रहे हैं उत्कर्ष ठाकुर ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है, हम कहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो ये जय श्री राम वाली जो वाइब है यूं ही नहीं है, ऑफकोर्स आज हम जाने वाले हैं अयोध्या। पैर चलते हैं अयोध्या और अयोध्या की जो वाइब्स है वो मैं फील करूँगा, साथ साथ आपको भी फील कराऊँगा। तो बने रहिए फुल ब्लॉग में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ पर आज कह रहा हूँ, प्लीज़ कर दीजिए। तो यार हमारा सफ़र कुछ शुरू होता है यहाँ से, और हम हैं गोंडा अयोध्या हाईवे पे। तो भाई क्योंकि आज मंगलवार था तो रास्ते में हमें कुछ प्रसाद भी मिला जिसका टेस्ट यार मतलब अलग ही होता है। मतलब उसका टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि मतलब मज़ा आ जाता है। तो ये हमें रास्ते में मिला था। तो यार प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आखिर हम अयोध्या की उस पावन धरती पे पहुँच ही गए, जहाँ आते ही यार अयोध्या की वो वाइब है जो आने लगती है, वो श्री राम के नाम की गूंज जो है वो सुनाई देने लगती है। मतलब दिल अलग ही फील करता है कुछ यहाँ पे आने के बाद। तो यार अयोध्या पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम बढ़ेंगे घाट की तरफ, अयोध्या घाट, जहाँ पे सबसे पहले हम स्नान करेंगे उसके बाद मंदिर की तरफ चलेंगे। तो पहले झूला लेते हैं अपना, आजा भाई। तो भाई साहब हम हैं अभी अयोध्या की घाट पे, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं साफ़ सुथरा देके स्नान करेंगे। उससे पहले यार देखो साफ़ सफाई जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैं पहले आया था और पहले और अब के अकॉर्डिंग साफ़ सफाई कुछ सही हो गई है और रिवर की जो वाइब है वो बहुत अच्छी आ रही है। भाई साहब जिधर अब हम बढ़ रहे हैं उधर आप अयोध्या आके अगर नहीं आते हैं तो यार मज़ा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि जो अयोध्या के रिवर का पानी है वो एक टर्मिनल के मदद से इधर लाया जाता है जहाँ पे लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं भाई साहब, भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। और यार इसमें मस्ती करने का मन तो मेरा भी था बहुत ज़्यादा, लेकिन रश को देखते हुए रश कुछ ज़्यादा ही था तो इसलिए हमने कहा कि छोड़ो यार चलते हैं मंदिर की तरफ, बस देख के इंजॉय कर लिया और क्या, कभी फिर आएंगे। रश तो ऐसे हमेशा रहेगा लेकिन कभी अकेले आएंगे तो ज़रूर इसमें जाएंगे, या दोस्तों के साथ आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। तो यार यही वो टर्मिनल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से पानी लाया जाता है नदी से इधर। तो भाई साहब थोड़ा बहुत घूमने के बाद लगा यार यहाँ पे रात में आना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रात में लाइट्स रहेंगी यार, और रात में यहाँ पे देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा जब भी आप आएँ रात में आएँ, रात में जितना अच्छा लगेगा दिन में शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो सही है, जितना घूमना था हमने घूम लिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। अयोध्या में अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे हनुमानगढ़ी में, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ मंदिर घूमेंगे हम, कुछ जैसे कनक भूमि में ऐसे मंदिर घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं। हनुमान मंदिर हम पहुंच चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज मंगलवार है, आखिरी मंगलवार है तो भीड़ इसलिए कुछ ज़्यादा ही है। आप अपनी चप्पल वहीं पे उतारते हैं जहाँ पे आप मंदिर के लिए अंदर प्रसाद लेते हैं, वहीं पे अपना चप्पल उतारना होता है, फिर हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यार इतनी भीड़ में किसी तरह हम हनुमान मंदिर पहुंच गए अंदर। ऑफकोर्स भीड़ तो होगी क्योंकि यार
मान जिसे मिलना इतना इजी थोड़ी है। तो यार इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करने के बाद और इतना रश होने के बाद पैर में दर्द हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा पीछे से हम लोग आ रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आने को मिलती है, पीछे ही रुक जाती है, पीछे ही पार्क करना पड़ता है और पैदल चल के वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। तो फिर भी किसी तरह हनुमान जी के दर्शन हो ही गए। माफ़ी चाहता हूँ यार आप लोगों को नहीं करवा पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करवाऊँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा। यार आपके भी दर्शन हो गए, किसी तरह मैंने करवा ही दिया। आज यार कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मंदिर कल घूमेंगे क्योंकि पैर में यार सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर, और अभी इतना नीचे भी जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।